फिल्में बहुत सारी बनाई जाती हैं, कुछ फिल्म को बनाने के लिए साल भर भी कम लग जाते हैं, तो वही कुछ फिल्म 40 दिन में ही बन जाती हैं। कुछ फिल्म का ज़्यादा बजट होने पर भी बॉक्स ऑफिस पर टिक नहीं पाती हैं, तो कुछ फिल्म कम बजट होने पर भी ब्लॉकबस्टर हो जाती हैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक इन माई न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको 7 अपकमिंग मूवी के बारे में बताने जा रहा हूँ जो 2023 में रिलीज होने वाले हैं और हो सकता है ब्लॉकबस्टर भी साबित हो जाएं। नंबर 7वीं पर NTR 30 आती है। इस फिल्म का रिलीज डेट अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन कुछ रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म का रिलीज डेट 19 मई 2023 है। इस फिल्म का बजट 300 करोड़ रुपए है। इस फिल्म के लीड रोल में जूनियर NTR और आलिया भट्ट हैं। इस फिल्म में जूनियर NTR को दो रोल में देखा जाएगा, एक छात्र नेता के रूप में देखा जाएगा जो वन माफिया को खत्म करने के लिए मिशन पर है, और दूसरे रोल के बारे में अभी तक बताया नहीं गया है। यह फिल्म तेलुगू, कन्नड़, तमिल, हिंदी और मलयालम भाषा में रिलीज होगी। इस फिल्म के डायरेक्टर कुर्तल्ला शिवा हैं। कुर्तल्ला शिवा की यह दूसरी फिल्म जूनियर NTR के साथ है। इससे पहले 2016 में जनता गराज फिल्म के डायरेक्टर भी रह चुके हैं। नंबर 6 पर जवान मूवी आती है। इस फिल्म का रिलीज डेट 2 जून 2023 है। इस फिल्म का बजट 200 करोड़ रुपए है। इस फिल्म के लीड रोल में शाहरुख खान, विजय सेतुपति, नयनतारा, प्रियमणि, सानिया मल्होत्रा हैं। इस फिल्म के कैमियो रोल में विजय थालापति और दीपिका पादुकोण हैं। जवान मूवी में शाहरुख खान हीरो का रोल प्ले करेंगे और विजय सेतुपति विलन का रोल निभाएंगे। इस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषा में रिलीज किया जाएगा। जवान फिल्म के लिए विजय सेतुपति 21 करोड़ रुपए लिए हैं, नयनतारा ने 11 करोड़ रुपए लिए हैं, सानिया मल्होत्रा ने 1 करोड़ रुपए लिए हैं। इस फिल्म के डायरेक्टर एटली कुमार ने 30 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। अब आपके मन में होगा कि शाहरुख खान को कितने रुपए मिले होंगे। बता दें कि फिल्म के प्रोड्यूसर शाहरुख खान की पत्नी हैं। नंबर 5 पर RC-15 आती है। इस फिल्म का रिलीज डेट अप्रैल 2023 से जून 2023 के बीच होगा। इस फिल्म का बजट 170 करोड़ रुपए है। इस फिल्म के लीड रोल में रामचरण और कियारा आडवाणी हैं। यह फिल्म तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज होगी, उसके बाद इसका तमिल और हिंदी में डब किया जाएगा। इस फिल्म के डायरेक्टर एस शंकर हैं। इस फिल्म के लिए रामचरण ने 45 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं और कियारा आडवाणी ने 4 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। यह फिल्म पॉलिटिकल ड्रामा बेस्ड फिल्म होगी। नंबर 4 पर सलार मूवी आती है। इस फिल्म का रिलीज डेट 28 सितंबर 2023 है। इस फिल्म का बजट 200 करोड़ रुपए है। इस फिल्म के लीड रोल में रिबेल स्टार प्रभास और श्रुति हसन नजर आएंगी। यह फिल्म तेलुगु और कन्नड़ लैंग्वेज में रिलीज होगी और बाद में इसका हिंदी डब किया जाएगा। इस फिल्म के डायरेक्टर प्रशांत नील हैं, जो कि इससे पहले ब्लॉकबस्टर मूवी KGF 2 के डायरेक्टर रह चुके हैं। इस फिल्म के लिए प्रभास ने 100 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं और श्रुति हसन ने 4 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। कुछ रिपोर्ट्स का दावा है कि इस फिल्म के कैमियो रोल में रॉकिंग स्टार यश भी मौजूद रहेंगे। नंबर 3 पर Tiger 3 मूवी आती है। इस फिल्म का रिलीज डेट 21 अप्रैल 2023 है। इस फिल्म का बजट 350 करोड़ रुपए है। इस फिल्म में सलमान खान, कटरीना कैफ, शाहरुख खान और इमरान हाशमी हैं। इस फिल्म को हिंदी भाषा में रिलीज की जाएगी। इस फिल्म के डायरेक्टर मनीष शर्मा हैं। कुछ रिपोर्ट के अनुसार सलमान खान ने टाइगर 3 के लिए 100 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं और कटरीना कैफ ने 28 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। नंबर 2 पर पठान मूवी आती है। इस फिल्म का रिलीज डेट 25 जनवरी 2023 है। इस फिल्म का बजट 250 करोड़ रुपए है। इस फिल्म के लीड रोल में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण और जान इब्राहिम हैं। इस फिल्म को हिंदी, तमिल और तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा। इस फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद हैं। कुछ रिपोर्ट के अनुसार शाहरुख खान ने पठान मूवी के लिए 100 करोड़ रुपए तक की फीस चार्ज की है, जॉन इब्राहिम ने 20 करोड़ रुपए तक की फीस चार्ज की है और दीपिका पादुकोण ने 15 करोड़ रुपए की फीस चार्ज की है। नंबर 1 पर आदि पुरुष फिल्म आती है। इस फिल्म का रिलीज डेट 12 जनवरी 2023 है। इस फिल्म का बजट 500 करोड़ रुपए है। इस फिल्म में प्रभास भगवान राम का रोल प्ले करेंगे, कृति सेनन माता सीता का रोल प्ले करेंगी और सैफ अली खान रावण का रोल प्ले करेंगे। इस फिल्म को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ लैंग्वेज में रिलीज किया जाएगा। कुछ रिपोर्ट के अनुसार प्रभास ने आदि पुरुष फिल्म के लिए 150 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं, कृति सेनन ने 3 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं और सैफ अली खान ने 12 करोड़ रुपए चार्ज किए हैं। आप लोग इनमें से कौन सी मूवी के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। बाय द वे, अगर चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।